तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सारखी मोबाइल सॉल्यूशन में। आज मैं मेरा सेटअप दिखाता हूँ, आप मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। आज विश्वकर्मा पूजा है तो थोड़ा साफ सफाई भी हुआ है, पूजा भी हुआ है, देख सकते हो मेरा छोटा सा एक मंदिर है। और फिर पूजा वगैरह के ये कस्टमर के हैंडसेट है जो रिपेयर के लिए आया है, रेडी है ऑलमोस्ट। अब मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो जो मैं SMD यूज़ करता हूँ वो नीचे आपको दिख गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ डब्बे में मेरे कुछ IC कनेक्टर, ये दो डब्बे में IC है, बाकी इसमें कनेक्टर डिस्प्ले वगैरह है जो काफ़ी समय पहले मैंने ख़रीदा हुआ था। और एक छोटे मोटे जो टूल्स है देख सकते हो आप, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, एक बीट है वो। यहाँ पे देख सकते हो जो PPD पेस्ट मैं यूज़ करता हूँ, ये है माइक्रो जम्पर के लिए, ये जो शोल्डर वायर मैं यूज़ करता हूँ मैकेनिक का। आपको अगर अच्छा लगे तो, मेरे पर्सनल मैं बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा, देख सकते हो SMD मेरा ये है क्विक का 857DW+। देख सकते हो ये जो DC मशीन है ये 8 साल पहले मैंने ख़रीदा था, ये आज भी चलता है वो, उसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं करीब ये जो नया वाला सुगन का है ये भी अच्छा है, DC मशीन है, परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। देख सकते हो मेरा ये दूर से थोड़ा सेटअप मेरा कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा। मैंने सजा के रखा है क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा, तो साफ़ सफाई करके मैंने पूजा करने के लिए उसको सेटअप को थोड़ा सजा के यहाँ पे रख दिया है सारी चीज़ें। देख सकते हो मेरा दो मॉनिटर है, एक कैमरा के लिए है माइक्रोस्कोप का और एक PC के लिए है। जो माइक्रोस्कोप है ये D75T का है, ये मेरा करीबन 2-3 साल हो गया है, आज भी अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देख सकते हो जो चार्जर यूज़ करता मैं, फास्ट चार्जर एम्पियर का, चार्जिंग एम्पियर मीटर जो है। यहाँ पे देख सकते हो कटर, मैंने 1, 2, 3 ऐसे एक बीच वाला जो कटर है ख़राब हो चुका है और बाकी दोनों अच्छा है। छोटा सा एक पेंसिल भी है। और यहाँ पे देख सकते हो स्क्रू ड्राइवर काफ़ी सारे जो मैं अभी यूज़ नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक वाला जो है उसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देख सकते हो जो आयरन है मेरे पास T210 का आयरन है, काफ़ी अच्छा आयरन मुझे अच्छा लगा है। देख सकते हो जो आयरन जो मैं 3 आयरन यूज़ करता हूँ, वो जो है काफ़ी पुराना है, करीब 5 साल हो गए उसका, आज भी वो चलता है। जो मेरा PC देख सकते हो यहाँ पे, ये PC मेरा थोड़ा हाई एंड PC है, आपको इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दूसरे काम से मैंने लिया था, उसकी वजह से हाई एंड PC बनाने, तो हमारे लाइन पर इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर भी हैंग वगैरह नहीं होता। देख सकते हो इस साइड में मेरे पास EFI है, और जो मैं टूल्स वगैरह यूज़ करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैकेनिक का है थिनर, बाद में फॉल्कन का है, बाद में इसमें काफ़ी सारे चीज़ मैं यूज़ नहीं करता। देख सकते हो फेस जो है AD, यहाँ पे देख सकते हो मैंने और एक थिनर यूज़ करता हूँ जो कि मारुति का है। ये मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, जो मैकेनिक का जो है 850 Pro और 850, वो मुझे अच्छा लगा, अच्छा थिनर है वो। यहाँ पे देख सकते हो जो मैं पेस्ट यूज़ करता हूँ UV559 है, बाद में AD559 है, ये एकदम अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है। और ये देख सकते हो MTEC का मैंने बुलाया था, इसमें से एक दिक्कत होता है जब CPU वगैरह निकालने के बाद वो पेस्ट डाल के जब हम सोल्डिंग और आयरन से हम उसको क्लीन करते हैं तो बहुत परेशानी होता है, तो आप ना लो वही बेहतर है। जो भी मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो मैं ब्लेड यूज़ करता हूँ ग्लू कटिंग के लिए, वो ग्लू यहाँ पे देख सकते हो, ग्लू कटिंग के लिए जो ब्लेड मैं यूज़ करता हूँ वो हमने देख लिया है। अभी ये जो है मैं CPU वगैरह जब ओपन करना रहता है तो मैं ये ब्लेड का यूज़ करता हूँ, ये वाला ब्लेड है और ये दूसरा ये वाला ब्लेड है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। वो मैं जो पहले जो ब्लेड आपको दिखाया वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। देख सकते हो ये जितने भी सामान है ये मेरे काम के है, ये सब मैं यूज़ करता हूँ। देख सकते हो सेटअप कुछ इस टाइप का भी, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सेटअप कैसा लगा। उतना हाई एंड सेटअप मैंने नहीं बनाया है, जितना भी है इससे मेरा काम चल जाता है। अगर सेटअप आपको पसंद है, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में।